नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहारा में पैसे फंसने के बाद से लोग लगातार परेशान हैं। ललितपुर जिले के हजारों उपभोक्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के फंसे होने के कारण किसान और मजदूर वर्ग लगातार परेशान है। वहीं इसको लेकर मोहल्ला जोपुरा निवासी दर्जनों लोगों ने आज एकत्र होकर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र भेजा है। आपको बता दें कि कई किसानों और साथ ही मजदूरों ने भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए सहारा इंडिया कंपनी में अपने खून पसीने की कमाई जमा की थी, जो कि समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिल रहा है। वहीं सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला जगपुरा के निवासियों ने बताया है कि अकेले उन्हें मोहल्ले ही भर लोगों ने 6 करोड़ रुपए सहारा इंडिया कंपनी में फंसाया हुआ है, जिसे वापस दिलाए जाने की मांग आज इन सब मोहल्ले ने की है। और साथ ही सभी पीड़ितों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को सौंपा है। वहीं झांसी के मेडिकल कॉलेज में भारी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि कई महीनों से लटकी उनकी वेतन दिलाई जाए। इधर कर्मचारियों के धरने पर बैठते ही मरीजों के पर्चे नहीं बन पा रहे हैं। साथ ही बता दें कि जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी आज एक सभी जुट होकर धरने पर बैठ गए हैं। मेडिकल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही अपनी कई महीने से रुकी वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। मरीज के पर्चे नहीं बनने पर बता दें कि कर्मचारियों द्वारा कार्य न करने पर मरीजों और साथ ही तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी में आम जन को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक करने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन कैंप का शुभारंभ किया गया है। वही मामले को लेकर आपको बता दें कि एसएसपी राजेश एस ने बताया है कि 112 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के पब्लिक को जानकारी देने के लिए विषम परिस्थितियों को डायल 112 लगाए गए हैं और साथ ही पुलिस सहायता प्राप्त करे इसके लिए आज कैंप का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं एसएसपी ने जनता से अपील की है कि डायल 112 के सेल्फी पॉइंट बनाए जाने तक, ताकि लोग एक दूसरे से ज्यादा जागरूक हो सके। वहीं झांसी के नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा ने रोष व्यक्त करते हुए आरक्षण को बहाल किए जाने की मांग की है। महासभा के बुंदेलखंड अध्यक्ष अवधेश निरंजन साथ ही बता दें कि अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव कालका प्रसाद पटेल के संयुक्त नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और साथ ही मुख्यमंत्री से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तत्काल बहाल करने की जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य में नगर निकाय में होने वाले चुनावों पर प्रदेश के प्रत्याशी नागरिक की निगाहें टिकी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने एक झटके में ही रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को 2 पुराने आदेशों का हवाला देकर ट्रिपल टेस्ट के बहाने नोटिफिकेशन को खारिज किया है। वहीं महोबा में कुएं से सिंचाई के लिए पानी लगाने के विवाद में दबंगों ने महिला और साथ ही उसके देवर के साथ बेरहमी से मारपीट की है। इस मामले में स्थानीय पुलिस नामजद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही ऐसे में देवर भाभी पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और साथ ही आरोपियों पर मुकदमा लिखने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला थाना अजनगर क्षेत्र के पसानाबाद गांव का बताया जा रहा है, जहां मनीष सेन की पत्नी अंजना सेन अपने देवर शिवम के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है और जहां उन्होंने बतलाया है कि
वे अपने देवर शिवम के साथ ही खेत में सिंचाई करने के लिए गई हुई थी और साथ ही बरसों से साझेदारी वाले कुएं से पानी लेकर सिंचाई कर रही थी। उसी दौरान बता दें कि ग्यासीलाल और साथ ही भूपनेश तिवारी अचानक आ गए और कुएं से पानी लगता हुआ देख वहां आक्रोशित हो गए और साथ ही उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने शोर मचाया, तब खेत पर कार्य कर रहे उसका देवर शिवम मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगा तो दबंगों ने उसके साथ ही मारपीट करना शुरू कर दी। पीड़िता बताती है कि कुआ पिछले 40 साल से साझेदारी में है जिसकी सिंचाई का कार्य करने चले आ रहे हैं, लेकिन अब दबंग द्वारा पानी देने का मना किया जा रहा है। बदायूं में एक युवक ने दोस्तों से तालाब पार करने की शर्त लगा दी और साथ ही बता दें कि तालाब में कूद पड़ा। तालाब गहरा होने की वजह से युवक डूब गया, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई है। सभी लोग तालाब की तरफ दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार पांडे मय फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे हैं और कस्बा के लोगों के साथ पुलिस भी युवक की तलाश लगातार जुटी हुई है। साथ ही बता दें कि कोहरा और साथ ही अंधेरे की वजह से रात को पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं आज दिन में लगभग बता दें कि 1 बजे काफ़ी मशक्कत के बाद तालाब से जाल डालकर शव को किसी तरीके से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही बता दें कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराजगंज के जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि बता दें कि सिजेरियल डिलीवरी के बाद से महिला की हालत बिगड़ी थी। हालत बिगड़ने के बाद जब परिजन ने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को दी तो उन लोगों ने अनसुना कर दिया। महिला की मौत के बाद से परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए जमकर बवाल काटा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में लगी है। वहीं फिलहाल अभी तक अस्पताल में जिला प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आया है इस मामले को लेकर। इटावा के थाना फेडरेशन कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें कि अनुज नगर के बीजेपी नेता अनु गुप्ता ने निजी बस ट्रेवल्स के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। अज्ञात हत्यारे बस चालक की हत्या को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह टहलने के लिए निकले लोग बस चालक के शव को आपको बता दें कि सड़क पर पड़ा हुआ देखकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात हथियारों के तलाश में जुटी हुई है। अब खबर फरुखाबाद से है, जहां पर बता दें कि ई रिक्शा चालक की होमगार्ड की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बता दें जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और साथ ही बता दें कि जिसके बाद से रिक्शा चालक एक होमगार्ड को पीटते हुए इस वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो में पहले किसी बात पर दोनों की बहस होती है, उसके बाद दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। मामले को देखते हुए लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लोग तमाशा बीन बनकर बस देखते ही रहते हैं। ई रिक्शा चालक द्वारा होमगार्ड को पीटने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कैंट रोड का बताया जा रहा है। और फरुखाबाद का ये मामला बता रहे हैं, जहां पर ई रिक्शा चालक और बता दें कि होमगार्ड की पिटाई का मामला सामने आया है और साथ ही इस मामले को लेकर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अब खबर बलरामपुर से है, जहां बता दें कि जमीन विवाद में जमकर लाठियां चली है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के नंदन नगर जुम्मनडीह गांव में जमीन विवाद में दो सगे भाइयों की जमकर लाठियां चली, जिसके बाद 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए बता दें कि CHC शिवपुरा में भर्ती कराया है। प्रभारी निरीक्षण जयहरी मिश्र ने बताया है कि संदीप कुमार वर्मा ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, वहीं चाचा श्वेतराम वर्मा अपने लड़के प्रेम कुमार, धर्मराज और धर्मेंद्र कुमार वर्मा के साथ लाठियों से मारपीट करने लगे। दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसके बाद 8 लोग घायल हो गए हैं। फरुखाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बिजली विभाग ने खंबे के पास से हैंडपंप में पानी भर रही युवती को करंट लग गई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के खंबे में आ रही अर्थिंग आ रही थी, जिसके बाद से युवक को बता दें कि युवती को करंट लग गया है। गंभीर हालत में युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। करंट लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लाइनमैन तार को खंभे पर चढ़कर सही करने में जुट गया है, और साथ ही बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही। आप देखिए किस तरीके से हैंडपंप में करंट आने के वजह से एक युवती को करंट लग गया, जिसकी वजह से वो घायल बताया जा रहा है। बस्ती जिले के रुढ़ौली ब्लॉक में धसा हुआ गांव में जिला पंचायत की राज्य विभाग एक और कारनामा सामने आया है। समुदाय शौचालय एक साथ 4 सीट लगा दी गई है। इससे पहले ही कुरहा ब्लॉक में डबल पार्ट में शौचालय चर्चा का विषय बना हुआ था, वहीं एक बार फिर से नया कारनामा सामने आया है, जहां 4 पार्ट में शौचालय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बता दें कि 4 दीवारी में 4 सीट शौचालय इंजीनियरिंग का नया अजूबा सामने आया है। आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से एक ही दीवार में 4 शौचालय बनाए गए हैं, और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। और इसके अलावा बता दें कि लोगों के एक साथ शौच करना भी काफ़ी बीमारियों को बुलाता है, और साथ ही ये जो इस तरीके से ये लापरवाही सामने आई है, कारनामा सामने आया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला पंचायत पर भी सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता को लेकर ग्रामीण इलाकों में लाखों करोड़ रुपए के खर्च पर कूड़ा संग्रह कर घर का निर्माण कर रही है। वहीं एक और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते कूड़ा संग्रह निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और साथ ही थर्ड क्वालिटी के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। सहारनपुर के ब्लॉक नांगल से गाँव खेड़ा मुल्क में शासन की ओर से कूड़ा संग्रह घर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका आज मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कूड़ा घर के घटिया सामग्री और साथ ही थर्ड क्वालिटी ईंटों का प्रयोग किए जाने को देखते हुए CDO विजय कुमार भड़क गए। मौके पर वे पहुंचे और साथ ही बता दें कि खंड विकास अधिकारी अम्बरीश कुमार, ग्राम प्रधान गुरुपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी JP वर्मा यहाँ इस द्वारा निर्माण कार्य में लगाए जाने वाले घटिया सामग्री को लेकर सफाई पेश नहीं की गई, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल मौके पर निर्माण कार्य को अनियमितताएं और साथ ही गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फरुखाबाद पहुंचे, जहां बता दें कि फरुखाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और साथ ही लक्ष्य हॉस्पिटल पहुंचकर अपने भाई की हुई मृत्यु पर उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है, शोक सभा में श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक इजहार आलम कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, उनके सज्जन से भेंट कर गाँव का तोहरा स्थित और साथ ही श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे और इसके बाद से फरुखाबाद में उन्होंने शोक सभा में वो पहुंचे और साथ ही इस दौरान वे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष
नदीम अहमद फारूक की पत्नी श्रद्धांजलि देने के लिए शमशाबाद भी पहुंची और वहां पे अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, जिसके बाद से वहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर बता दें कि सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात को एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने भूमि बिक्री मामले को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरा मामला की जांच की जा रही है और साथ ही गाँव के ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच पड़ताल इस मामले के करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है और बता दें कि ये उन्नाव का मामला है। बता दें कि परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। उन्नाव के जहां दोस्तीज नगर के स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फायर में आज फायरमैन की पॉन्सिंग आउट परेड हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीजी फायर पहुंचे हैं और उन्हें सलामी दी गई है। सलामी के बाद ग्राउंड पहुंचे डीजी ने फायर के अधिकारियों की बता दें कि पॉन्सिंग आउट परेड देखी, अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को सम्मान भी किया गया। कई साल बाद फायर में फायरमैन की पॉन्सिंग आउट परेड हुई। कार्यक्रम में समापन के बाद से उन्हें व्यवहारिक परीक्षण भी दिया गया। अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर बता दें कि पंचायती अखाड़ा से आए संतों की टोली में बता दें कि संत ने फांसी लगाई है और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संदिग्ध हालत में संत का शव बरामद किया गया है और इस मामले को लेकर पुलिस अब पूरे बारीकी से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय संत रामदास ने कमरे में बंद करके रस्सी से लटकर अपनी जीवन लीला को समाप्त की है, जिसके बाद से अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।